और आज के दिन के बाइबल वचन के आप सबों को प्रेम से स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, तूने कहा मैं मेरे शास्त्र के महत्वपूर्ण बातों को उनके लिख के दिया है, लेकिन वो तो उसे पराय समझे हैं। वैसे पराय समझने वालों के लिए नहीं, लेकिन ये वचन हमारा है, अपना समझते हैं। उन लोगों के लिए ये बाइबल वचन होती है प्रभु, और वैसे हर एक लोगों के लिए ये वचन आशीषदायक रहे। यीशु मसीह के नाम से। पहला शमूएल 28 अध्याय पढ़ने वाले हैं। उन दिनों में फिलिस्तीनियों ने इज़राइल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की, और आकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। शमूएल तो मर गया था, और समस्त इज़राइलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओजों और बूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब फिलिस्तीन इकट्ठे हुए और सोने में छावनी डाली, तो शाऊल ने सब इज़राइलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। फिलिस्तीनियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और न उरीम के द्वारा, और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी बुद्ध सिद्धि करने वालों को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारी ने उससे कहा, इंदौर में एक बुद्ध सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना वेश बदला और दूसरे कपड़े पहनकर दो मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि बूथ से मेरे लिए भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उसे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओजों और बुद्ध सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है। फिर तो मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा, तब ऊंचे शब्द में चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया है? तू तो शाऊल है। राजा ने उसे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उसे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मूंग भूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, क्योंकि फिलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे न तो भविष्यद्वक्ता के द्वारा उत्तर देता है और न सपनों की। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसे तू मुझसे कहलवाया था, वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीन कर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमलियों को उसके भटके हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इसराइलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा, और इसराइली सेना को भी यहोवा फिलिस्तीनियों के हाथ में कर देगा।
तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल के बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया था, इससे उसमें बल कुछ भी न रहा। तब स्त्री शाऊल के पास गई और उसको अति व्याकुल देखकर उससे कहा, सुन, तेरी दासी ने तो तेरी बात मानी और मैंने अपने प्राण पर खेलकर तेरे वचनों को सुन लिया जो तूने मुझसे कहा, तो अब तू भी अपनी दासी की बात मान और मैं तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखूं, तू उसे खा कि जब तू अपना मार्ग ले तब तुझे बल आ जाए। उसने इनकार करके कहा, मैं न खाऊंगा, परंतु उसके सेवकों और स्त्री ने मिलकर यहां तो उसे दबाया कि वह उनकी बात मानकर भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री के घर में तो एक तैयार किया हुआ बछड़ा था, उसने फुर्ती करके उसे मारा, फिर आटा लेकर गूंदा और अखमीरी रोटी बनाकर शाऊल और उसके सेवकों के आगे लाई और उन्होंने खाया, तब वे उठकर उसी रात चले गए। तीतुस के पहला अध्याय। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु से अनुग्रह और शांति होती रहे। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके लड़के बाले विश्वासी हो और जिन्हें लुच्पन और निरंकुशता का दोष नहीं, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हटी, न क्रोधी, न पियकड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी, पर पहुनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और विश्वास योग्य वचन पर, जो धर्मापदेश के अनुसार है, स्थिर रहे कि कड़ी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके कतरना वालों में भी, इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुसूचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्य तकता है, कहा है कि क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए, और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उनका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। अभी तीतुस दूसरा अध्याय। पर तो ऐसी बातें कहा कर जो करे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियकड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे, और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, बलि
और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। ऐसे जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई गंभीर था और ऐसी कराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलट कर जवाब न दे। चोरी चालाकी न करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। तीतुस तीसरा अध्याय। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाक करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उदारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें बलि और मनुष्य के लाभ की है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रह, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रह, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहरा कर पाप करता रहता है। जब मैं तेरे पास अर्तिमास या तुकिकुस को भेजूं तो मेरे पास निकोपुलिस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वही जाड़ा काटने की ठानी है। जैनास व्यवस्थापक और अपुलोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल न रहे। मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार, और जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। न्यायों तीसरा अध्याय पहला वचन से 11 वचन तक। इसराइलियों में से जितने कनान में की लड़ाई में भागी न हुए थे,
उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इसराइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखे और जान ले। अर्थात पांचों सरदारों समेत फिलिस्तीनियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बाल हेरमोन नाम पहाड़ से लेकर हमाद की तराई तक लबनान पर्वत में रहने वाले हिव्वियों को ये इसलिए रहने पाए कि उनके द्वारा इसराइलियों की बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाई थी उन्हें वे मानेंगे व नहीं। इसलिए इसराइली कनानियों हितियों एमोरियों परिजियों हिव्वियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां ब्याह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों के ब्याह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। इस प्रकार इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नाम देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लग गए। तब यहोवा का क्रोध इस इसराइलियों पर भड़का और उसने उनको हायरैम के राजा कूस तिर्तातैम के अधीन कर दिया। सो इसराइली 8 वर्ष तक कुशत्री शातेम के अधीन में रहे। तब इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इसराइलियों के लिए कालेब के छोटे भाई ओतनियल नाम एक कंजी छुड़ाने वाले को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इसराइलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला और यहोवा ने आराम के राजा कुशत्री शातेम को उनके हाथ में कर दिया और वह कुशत्री शातेम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही और उन्हीं दिनों में कंजी ओतनियल मर गया। आज हमने तीतुस दूसरा अध्याय 11 से 13 तक देखा। हमारे यीशु मसीह के अनुग्रह इस कारण प्रकट हुई ताकि हम उद्धार पाए, इस दुनिया में भक्ति की जीवन बिताए और यीशु मसीह जो आ रहा है उसके आगमन के बाट जोते रहे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसी बात करे। प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, तेरे अनुग्रह से हमें तो पापों से छुड़ाकर उद्धार करता है और इस दुनिया में कैसा जीना है ये सिखाता है। हम बेकार बातों को छोड़ना है, भक्ति की जीवन बिताना है और यीशु जल्दी आ रहा है उस आगमन के लिए और स्वर्ग राज्य के आनंद के लिए हमें बाट जोते रहना है। आज वचन सुनने वाले सबों को ऐसे तेरे उद्धार का निश्चय दे दे और दुनिया में एक पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद कर और साथ में यीशु के आगमन के लिए और स्वर्ग राज्य के लिए इंतजार के साथ रहने के लिए अनुकूल करे। उनके हाथों के हर कामों को आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। फिर कल मिलेंगे। आमेन।